तीनों खान में सलमान खान ने आमिर खान और शाहरुख खान दोनों के साथ काम किया है, लेकिन आमिर खान और शाहरुख खान ने अब तक साथ में फिल्म नहीं की है, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है। खबर है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में शाहरुख खान छोटी किंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म आदित्य चोपड़ा बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने शाहरुख से छोटी भूमिका निभाने का आग्रह किया। शाहरुख और आदित्य बेहद अच्छे दोस्त हैं और आदित्य का कहना शाहरुख टाल नहीं पाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ भी लीड रोल में हैं। पहली बार अमिताभ और आमिर भी एक ही फिल्म में नजर आएंगे। इसको लेकर दर्शकों में बेहद उत्साह है। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपए तय किया गया था, जो अब 100 करोड़ रुपए के ऊपर हो गया है। इस एक्शन एडवेंचर ड्रामा को बेहतरीन तरीके से आदित्य पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। इसे हिंदुस्तान की पायरेट्स ऑफ कैरेबियन माना जा रहा है। बहरहाल आमिर और शाहरुख को एक ही फिल्म में देखने की उनके फैंस की हसरत जल्दी ही पूरी होने वाली है।